जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट अच्छा ये कंफर्म कीजिएगा आवाज जो है वो सबको आ रही है एंड स्क्रीन शेयर है सबसे वालेकुम अस्सलाम जी शेयर है मैम यस मैम यस मैम ओके ओके अच्छा हम uh, सबसे पहला जो टास्क होता है ना प्रोडक्ट हंटिंग का दैट इज uh, यानी uh, वर्चुअल असिस्टेंट का वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग और जो के जिसके बारे में हमने कल सिर्फ से स्टार्ट की थी और पार्ट वन जो था इसका वो मैं यानी कि शेयर कर चुकी हूँ कल का हमने वो उसको कंप्लीट वे से देखा था एक दो पॉइंट रह गए हुए हैं उसके वो इनशाला आज के लेक्चर में कवर करेंगे और मैंने बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आइडिया हमारे माइंड में आएगा तो हम प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे ना तो प्रोडक्ट यानी फाइंड आउट करने के लिए पहले जो आइडिया लेना होता है एक विनिंग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो आइडिया लेना होता है वो मैंने आपको कितने टैक्टिक्स जो है आपके साथ शेयर किए इवन दो ये आप देख सकते हैं कि सारे टैक्टिक्स इनमें से सिर्फ जे का रह गया था और बाकी मैंने जो है ना ऑल ओवर जो है ना तमाम ये आपके कल के लेक्चर में कवर कर दिए थे इसके अलावा तीन से चार इफेक्टिव मैथड्स हैं जो कि इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी और देखिये प्रोडक्ट हंटिंग का आइडिया जो है ना उसके टैक्टिक्स बहुत ज्यादा है ये कल जो मैंने बताया तक आई थिंक मैंने आपके साथ यानी के से जो है वो टैक्टिक्स आपके साथ शेयर किए थे मैंने ये वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दी है और ये जरूर आपने देखना है इनशाला लास्ट पे आपको असाइनमेंट असाइन करूंगी तो आपने नेक्स्ट वीक में आने से पहले वो असाइनमेंट जो है वो आपने करके आनी है और उस असाइनमेंट को आपने मुझे सबमिट करवाना है बिफोर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट अपकमिंग क्लास ठीक है जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है ना उससे पहले जो है ना सैटरडे वाली क्लास है पहले पहले आपके असाइनमेंट मुझे आ जानी चाहिए मेरा मैं अपना रूल बता दू मैं, मेरा ये हिसाब होता है कि मैंने असाइनमेंट के जो डेज फिक्स किए होते हैं ना मैंने उन्ही डेज में आपसे लेनी है इसके अलावा अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो वो चेक नहीं होगी तो आपका लॉस है तो देखिये अगर एक पूरा तकरीबन चार से पांच दिन यानी कॉन्टिन्यूस आपको मिल रहे हैं इस प्रैक्टिस के लिए तो ये इनफ है आई थिंक सो के मतलब डे के हिसाब से आप दो घंटे भी दें ना प्रैक्टिस को तो मैं कहती हूँ कि मतलब ठीक है आप कर सकते हैं तो जो करते ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं करते और एट द एंड वो डिसअपॉइंट खुद तो होते हैं लोग लेकिन बाकियों को कितने वाम को डिसअपॉइंट कर देते हैं कि आपकी सोच है तो मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा चाहती कि मेरा स्टूडेंट जो है ना मैं साथ साथ उनको मोटिवेट रखती हूँ इसीलिए है, हैंड जोन मैंने रखा हुआ है कोई अभी तक मैंने ट्रेनर नहीं देखा जो है, हैंड जोन प्रोवाइड कर रहा है तो बाकी ये है कि मेरी फुल फुल ट्राई हो गया कि मेरे स्टूडेंट जो है ना एक सक्सेसफुल मोड पे रहे सो बाकी आपने कोपरेट करना है साथ साथ अच्छा प्रोडक्ट रंटिंग के आइडियाज के बारे में हम बात कर रहे थे जिसमें से ये सारे आइडियाज मैं कल कल की क्लास में कवर कर चुकी थी और एक से दो जो है ना वो आइडियाज हैं जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ जी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ और वो जो आइडियाज रह गए थे वो शेयर करते हैं साथ उसके बाद जो है हम देखेंगे कि जब एक आइडिया हमारे माइंड में आ जाता है देन उसको उसको एनालाइज किस तरह से करते हैं अच्छा ये देखिएगा सबसे पहले था हमने हमने देखा 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 कि बेस्ट फिर में, में, फिर डील्स में में न्यू उसके बाद यानी के मेथड थ्रू ठीक है और भी बहुत ज्यादा टेक्निक्स इम्प्लीमेंट देखे थे हमने प्रोडक्ट के आइडियाज को फाइंड आउट करने के लिए अच्छा ये कंफर्म करें आवाज सबको क्लियर है ओके okay. मैंने कल आपको एक बात कही थी यहाँ पे कि बेस्ट सेलर में आपने जाना है जब और इसके बाद जो है ना मैंने ऑलरेडी ये टैब्स इसलिए ओपन करके रखती हूँ बिकॉज ड्यूरिंग द सेशन एक तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो बिकॉज सम टाइम नेट जो हो जाता है या सम टाइम जो है ना वो जूम का डिस्ट्रॉशन हो जाता है साथ साथ इसीलिए मैं कन्फर्मेशन रखती हूँ और ये टैब्स इसलिए कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो दो घंटे की क्लास है हमारा सारी चीज़ें जो है ना इसमें कवर हो जाए अच्छा ये देखिएगा बेस्ट सेलर में हमने जाना है और ये राइट right साइड पे मैंने आपको बताया था कितनी कैटेगरी शो हो रही थी मैंने ऑलरेडी इसको बेस्ट सेलर में यानी होम एंड किचन वाली कैटेगरी जो है ना ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है और उसमें ये देख सकते हैं कि होम एंड किचन मेन कैटेगरी है उसके नीचे सब कैटेगरीज कितनी ज्यादा आ रही है ये होम एंड किचन की सब कैटेगरीज है तो मैंने होम एंड किचन मेन कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है वो होम एंड किचन वाला ये पेज है होम एंड किचन से रेलिवेंट जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये शो कर रहा है इस पेज में और ये एटलीस्ट आई थिंक सो टू पेजेस हैं ठीक है अब मैंने इस प्रोडक्ट को ना मैंने मैं कल आपको बता रही थी ना कि मतलब हमने क्या करना होता है कि प्रोडक्ट के, के आइडियाज किस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं एक तो हमें ये पता चल गया जी ये प्रोडक्ट्स हैं हमेन किचन से मे लाइक करती हैं चले ये प्रोडक्ट हमें पता चल गई अच्छा अब इसका मेन की इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैं इसी लेक्चर में कवर करूंगी अभी राइट right नाउ मैं आपको बताने जा रही हूँ मैंने ये वाली प्रोडक्ट ना नेक्स्ट टैब में ओपन की है ये वाली ठीक है हैंगर अच्छा अब मैंने इस प्रोडक्ट को आ, नेक्स्ट टैब में ओपन किया अब ये देखिएगा बेस्ट सेलर आ, इसके नीचे शो हो रहा है बेस्ट सेलर इसको ना अवार्ड बेस्ट सेलर का मिला हुआ है इस प्रोडक्ट को बिकॉज इस प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट की ना सेल बहुत अच्छी होती है ना अमेजोन उसको ना नंबरिंग असाइन कर देता है ये देखिए उसको बेस्ट सेलर का अवार्ड दिया हुआ है समटाइम यहाँ पे ना लिखा राइट किया होता है मिसाल के तौर तो पर अमेजोन चॉइस ठीक है तो अमेजोन ने डिफरेंट ना वो सेट किए होते हैं ये बैजेस वगैरह तो वो अजाइन करता रहता है जिनकी सेल अच्छी होती है जिन यानी कि प्रोडक्ट्स की अच्छा आप देखिएगा मैंने इसको नेक्स्ट टाइप में ओपन किया मैं प्रोडक्ट के आइडियाज आपको बताने जा रही हूँ कि देखिएगा बेस्ट सेलर पे जब मैंने राइट right क्लिक किया ना एक नए टैप पे ओपन इन न्यू टैप और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट सेलर ये जो सेल आउट कर रहा था ना ये ब्रांड था और इसने यानी ये देखे हैंगर कितने टाइप के कलर वेरिएशन में जाके वो सेल आउट कर रहा है अच्छा चलिए ये ब्रांड तो सिर्फ हैंगर ही से अलाउड कर रहा है ना Uh, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं uh, जिनकी भी प्रोडक्ट्स में बेस्ट सेलर अब यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट शो हो रही है तो जरूरी नहीं ये प्रोडक्ट वाला सेलर जो है ब्रांड यही सारी चीजें सेल आउट कर रहा होगा इसी टाइप की नहीं वो डिफरेंट टाइप की सेल आउट कर रहा होगा जस्ट अगर uh, इसकी एग्जाम्पल ले लें तो ये देखें हैंगर ही ये सेल आउट कर रहा है सिर्फ एक से दो चीज जो है ना वो ये देखें हैंगर ही है आई थिंक सो इसके पास सारे हैंगर ही आपको नजर आ रहे हैं लेकिन देखे अः uh, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाते हैं नो no डाउट कि सिर्फ ये सेलर हैंगर हैंगर पे ही काम कर का रहा है बाकी जि, जितने भी ब्रांड्स हैं वो हैं अपनी सेम नीच वाली प्रोडक्ट में काम नहीं कर का रहे होंगे इनके पास में भी बेबी वी से रेलिवेंट प्रोडक्ट आपको मिले मे बी हुम किचन की मे बी डी ए टूल्स की मे बी मतलब स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की प्रोडक्ट्स से इस से सेलर के पास मिल जाए बताने का मकसद ये था कि जब हम बेस्ट सेलर में जाते हैं ना तो बेस्ट सेलर से जाके भी हम प्रोडक्ट के आइडियाज को फाइंड आउट करते हैं सेकेंड थिंग आपने देखना है देखिएगा कि कि मैंने ये आ, यानी so, या हम टैक्टिक्स पीछे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज के बारे में अभी राइट right नाउ जो है मैंने एक और अप किया अब सेकंड पे मैं जा रही हूँ आज के लेक्चर का सेकंड आइडिया कहाँ से उठाना है जी आ, आपने राइट करना है गूगल पे जाके डी एंड टूल्स प्रोडक्ट लिस्ट ठीक है। डीएमए टूल्स प्रोडक्ट लिस्ट जब आप पीछे मैंने एक इतनी इतनी जो है ना मैंने एक कैटेगरी सिलेक्ट की है कैटेगरी मिसाल के तौर तो पर जी मैंने बताई हुई है प्रोडक्ट हंटिंग का जब हम स्टार्ट इनिशिएटिव लेने चले थे तो मैं इनशाला स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दूंगी और उसमें जो है ना मैंने बताया था कि सुजेस्टेड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं यानी कि अच्छा स्टूडेंट्स मेरे ना ऑलरेडी बैजेस माशाल्लाह से चल रहे हैं और और भी बहुत ज्यादा होते हैं लाइक अकाउंट हैंडलिंग एंड एज वेल डेफिनेटली हर स्टेप पे मैंने टाइम को डिवाइड किया होता है तो देखें अगर मैं आ, मतलब सम टाइम मैं आपको कोई यहाँ पे कोई चीज कि लाइक मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं या इस तरह से तो आप मुझे रिमाइंडर जरूर करवा दिया करें ग्रुप में क्योंकि ग्रुप में मैं जरूर देखती हूँ तो ग्रुप में आपने रिमाइंडर करवा देना ताकि मैं फिर नोट्स का कहा है तो मैं इनशाला होपफुल आज ही आपको सेंड करूँ या फिर समटाइम ऐसा होता है कि जिस दिन क्लास होती है ना उस दिन तो मैं नहीं सेंड कर पाती बिकॉज uh, टायर्डनेस uh, की वजह से तो नेक्स्ट uh, डे जो है ना मैं इनशाला सेंड मॉर्निंग टाइम ही कोशिश करती हूँ कि सेंड कर दी जाए चीज़ अच्छा आपने मुझे रिमाइंडर वैसे करवा देनी है uh, कर, कर, करवा दिया करना है अच्छा ये देखिएगा डी एम एन टूल्स प्रोडक्ट लिस्ट अच्छा डी एन टूल्स जो है ना ये एक कैटेगरी है और इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स फॉल करेंगी वो टूल्स से रेलिवेंट होंगी मतलब औजार वगैरह होंगे इस तरह से अच्छा होम एंड किचन भी आप कर सकते हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर व्हाट्स एवर जितनी रिकमेंडेड कैटेगरीज है कोई एक कैटेगरी आप कीजिएगा और प्रोडक्ट लिस्ट आप करेंगे सर्च पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए नीचे कितनी ज्यादा उन्होंने वेबसाइट दिखा दी है इन तमाम वेबसाइट से आपको प्रोडक्ट के आइडियाज मिलेंगे देखें गूगल से भी, भी आपको मिलते हैं आ, ये देखिए मिसाल के तौर पर जी मैंने क्या किया कि देखिए कितने ज्यादा प्रोडक्ट उन्होंने आइडियाज बताए हुए मैंने तकरीबन इसको ओपन किया नेक्स्ट ऐप में ही वो बता रहे हैं साथ उन्होंने क्या करना है कि इमेज का वो प्रोडक्ट का इमेज भी बताना है और साथ उन्होंने कीवर्ड भी बताना है ठीक है डिवॉल्ट ब्रशलेस कोल्डलेस ब्लवर ब्लवर ठीक है और ये नीचे इसी तरह जो है ना वो आपको बताएंगे ये देखें ब्लास्ट क्लॉक्स वे ये मतलब प्रोडक्ट का नेम है तो देखें इसी तरह सेम लाइक दैट उन्होंने अगर हंड्रेड कहा तो इसी तरह बता रहे होंगे इमेज के साथ उन्होंने की बता दिया आपने क्या करना है लाइक मिसाल के तौर पर आपको कनेक्ट और कीवर्ड का भी मैं अब आपको बता दूं कि आपने कीवर्ड जो है ना सिंगल फ्रेज वाला क्लास ये सबको आवाज आ रही है ओके yes. ओके yes, मैं इसीलिए कंफर्म कर देती हूँ आपसे साथ साथ अच्छा ये देखिएगा कि ने, ये कीवर्ड है अब नेलर फॉर फ्रेमिंग कनेक्टर्स अब ये देखिए इतना लॉन्ग कीवर्ड है ये ठीक है और इस तरह के कीवर्ड में आपने नहीं जाना लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपने नहीं जाना कोशिश करें कि टू वर्ड पे कंसिस्ट हो कीवर्ड ठीक है एक शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ हंटिंग की कोशिश करें टू वर्ड पे कंसिस्ट हो या थ्री वर्ड पे भी कंसिस्ट हो सकता है ये तो फॉर फ्रेमिंग कनेक्टर्स है ना मैं वैसे कह रही हूँ कि लाइक मिसाल के तौर पर जी बेबी हुड टॉवल एक की है ना तीन फ्रेज ये वर्ड पे कंसिस्ट है ये की वर्ट. तो इस तरह के की पे आप जा सकते हैं तीन या दो वाले एक सिंगल होगा ना मिसाल के तौर पर बीड्स है मिसाल के तौर पर ग्लास है किसी ने क्वेश्चन भी किया था क्लास के दौरान ग्लास हो गया या फिर मिसाल के तौर पर जी आ, कोई आप लगा दे लगा लें बैम्बू हो गया बैम्बू एक कीवर्ड है तो उससे रेलिवेंट जो नीचे प्रोडक्ट्स आएंगी ना बहुत मल्टीपल टाइप की आएंगी नीचे सेम नहीं होगी हमारा मेन पर्पज होता है कि कीवर्ड वो लेना जो मेन हो जब उसको अमेजॉन की सर्च बार में यहाँ पे आके टाइप किया जाए तो वो सेम प्रोडक्ट नीचे ओपन हो मिसाल के तौर पर ये देखिएगा मैंने इसको अगर लेट सी के ये हैंगर राइट किया अमेजोन की सर्च बार में जाके तो हैंगर ही सारे आए ये ना हो कि कोई टू कोई टूल बता रहा है कोई बेबी के प्रोडक्ट बता रहा है कोई नीचे इस तरह से वो नीच सेम नहीं होती तो इसलिए कोशिश करना है आपने नीच सेम हो वो वो होता है हमारा मेन कीवर्ड अच्छा ये देखिएगा मैं आपको बताने जा रही थी ये लिखिएगा नीड नीलर फॉर फ्रमिंग ये बहुत लॉन्ग कीवर्ड है इस तरह के कीवर्ड पे आपने नहीं जाना कोशिश करना है स्पेसिफिक कीवर्ड हो जो कि दो वर्ड पे मुश्तमिल हो अच्छा नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीचे जी ये आपको हर टूल की साथ इमेज भी उतारे होंगे साथ आपको वो बता रहे होंगे जी ये मैग्नेटिक टूल होल्डर है अच्छा आपने करना क्या है यहाँ से जस्ट आपने इसको कॉपी करना है जहां से भी कीवर्ड का आइडिया है उसको कॉपी करना है एमेजोन की सर्च बार में जाना है एमेजोन डॉट को डॉट या जिस भी प्रोडक्ट में आप कह रहे थे जिस भी मार्केट प्लेस में आप कह रहे थे ये क्लास किसी का ना माइक ऑन है एक सेकंड में माइक ऑन है किसी का उमामा आपका माइक ऑन है माइक ऑफ कर ली अच्छा जी आपने क्या करना है जी कीवर्ड आपने वहां से उठाया आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है सिंपल यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो सर्च पे क्लिक करना आपने ठीक है नीचे ये देखें सुजेस्ट भी आपको रहा है कीवर्ड अच्छा ये भी यहाँ पे एक और टिप आ गई आपके सामने ये देखे मैंने ना ए एम जी सुजेशन एक्सपेंडर यहाँ पे एक टूल जो है ना वो मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है ए एम जी सुजेशन एक्सपेंडर ये देखिएगा ये ये वाला है टू आ, ये वाला एक्सटेंशन नजर आ रहा है सबको ये साथ राइट भी किया हुआ ए एम जी सुजेशन एक्सपेंडर ये वाला अच्छा टू ये इसको किस तरह से डाउनलोड करना है जस्ट आपने राइट करना है गूगल की सर्च बार में एम जी सुजेशन एक्सपेंडर एक्सटेंशन ठीक है और पहली या दूसरे लिंक जो आपको आएगा ना उसमें आपने क्लिक करना है तो वो आ जाएगा आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा आपने उसको अच्छा ये एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करनी है ये हमें नेक्स्ट आप, आ, मैं कर आपको ना डाउनलोड करके दिखाती हूँ अच्छा राइट नाउ मैं बता रही थी जी गूगल की सर्च बार में आपने वही ए एम ये देखे अमेरिका में मैं अगर कर रही थी ये ना वो पीछे से आपने प्रोडक्ट का आइडिया यूके का पकड़ा आके एमेजोन सर्च बार में यूएसए में आप टाइप करके तो सर्च बार पर क्लिक करके तो आप फाइंड आउट कर ऐसा बिल्कुल नहीं करना डेफिनेटली रॉन्ग मेथड है जितना मर्जी आपका प्ले, सारा क्लिक करना है ना तो ये मैग्नेटिक टूल होल्डर जितने भी सेलर अमेजोन पे सेल आउट कर रहे हैं ना वो सारे ओपन हो जाएंगे मिसाल के तौर पर जी 2000 सेलर सैलर यहाँ पे पत, पता भी चल जाएगा स्टार्ट पे कि 2000 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है और ये देखेंगे मिसाल के तौर पर जी ये देखें दो हजार सात हजार सैलर हैं, वो कह रहे हैं वन टू तो ट्वेंटी फोर सैलर इसी पेज पे हैं और टोटल ओवरऑल सात हजार जो है ना वो सैलर हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं ठीक है सो ये देखें सेम नीच है आपको नजर आ रहा है ये देखें नीचे ये प्रोडक्ट्स हैं और आ, ये देखें मैग्नेटिक टूल होल्डर जिसमें मैग्नेट का यूज आएगा ना उस तरह के टूल्स इन्होंने सारे बताने हैं तो एटलीस्ट नीच जो है वो सेम है सो so, जो बेसिकली मैं बताने का मकसद ये था कि नीच जो है वो सेम आनी चाहिए जब आपको की का आइडिया मिल जाता है आपने क्या करना होता है एमेजोन जिस भी कंट्री का वहां पे आपने ये सिलेक्ट करना होता है डिलीवर टू और मैंने कल आपको बताया भी था कि इसको एडअप किस तरह से करते हैं ठीक है और पिछली पिछले लेक्चर में ये चीज इंकोड जो होगी वो उसको बार बार रेपिटेशन पे नहीं किया जाएगा क्योंकि बाकी चीजों का वो टाइम ले जाती है और इससे ये फिर मैं साथ साथ यही रेकमेंड कर सकती हूँ कि आपने लेक्चर जो है ना वो गौर से सुन के आने करने अगली क्लास को ज्वाइन करने से पहले अच्छा ये देखिएगा मैंने यहाँ पे टाइप करना जस्ट और एंटर पे क्लिक कर देना है। अच्छा नेक्स्ट इस कीवर्ड को फर्दर एनालिसिस किस तरह करना है कि ये एक हमारे लिए विनिंग कीवर्ड है कि नहीं वो हमें टूल एक, की एक्सटेंशन बताएंगे ठीक है ये जो हीलियम टैन और जंगल्स स्काउट की के एक्सटेंशन है ना ये फिर हमें बताएंगे कि आइदर एक विनिंग कीवर्ड है कि नहीं बाकी मैं आपको बताने क्या जा रही थी कि कीवर्ड के, के आइडियाज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं देखें ये मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कोई भी कोई भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की और प्रोडक्ट लिस्ट आपने राइट किया नीचे इतनी ज्यादा जो है ना आपके पास वेबसाइट आएंगी उन वेबसाइट पे जाके आपने फर्दर एक्सप्लोर करना है और इस तरह से आपको प्रोडक्ट्स के आइडियाज बहुत ज्यादा मिलेंगे अच्छा जी ये देखिये मैं मैं आपको यही बता रही थी कि मैंने एक वेबसाइट पे जाके अब देखा तो हंड्रेड हमें बता रहा है यहाँ तक मैं आपको बता रही थी कि जी हमें प्रोडक्ट के आइडियाज बेसिकली किस तरह से फाइंड आउट होते हैं और डिफरेंट वेज मैंने आपको बताए अच्छा मैं आपको बताने जा रही थी कि मिसाल के तौर पर जी अब ये आपने गौर करना यहाँ पे जो कल मैं पॉइंट मिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपके आपके साथ शेयर करूंगी वहां से मैं स्टार्टअप ले रही हूं अब ये देखिएगा मिसाल के तौर पर जी ये मैंने बेस्ट सेलर से आ, बेस्ट सेलर से वुमेन किचन की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए ये प्रोडक्ट्स ओपन की हुई थी ठीक है इन प्रोडक्ट्स में से मुझे लगा कि मुझे ये हैंगर पे काम करना देखना चाहिए क्या इधर ये प्रोडक्ट मैम आपकी आवाज और स्क्रीन दोनों डिफरेंट चल रही है आई गेस मतलब वॉइस पहले आ रही है स्क्रीन बाद में आ रही है अच्छा ये सबके साथ प्रॉब्लम है या एक ही के साथ है जी मैम सबके साथ, साथ है और आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है वॉइस नहीं मैम आवाज बिल्कुल सही है और भी सही आ रही है अच्छा तो सही तो आ रही है स्क्रीन और वॉइस का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं अच्छा ये सबको ये हैंगर वाला जो है बेस्ट सेलर में बेस्ट वाला बेस्ट सेलर वाला पेज नहीं ओपन हो रहा ये वाला मैं, मैं, मैं तुने बो तुने बो है। रहा है मैम हो हो रहा है देखिए कुछ स्टूडेंट्स को हो रहा है और कुछ को नहीं हो रहा है इट्स मीन के एवरेज लगा लें कि जिनको नहीं ना हो रहा ये उनके बैक एंड से मसला है देखिए अगर नहीं होना ना शो तो किसी को भी फिर शो ना हो एक देखने की बात है ना लेट्स इस तरह करते हैं सम टाइम इस तरह से हो जाता है देखिए आज वेदर भी थोड़ा इस तरह से प्रॉब्लम है और साथ ना ये टूल्स ये जो हमारा जूम ऐप है ना ये थोड़ा सा कर, हो जाता है क्योंकि ये नेट ज्यादा ड्रैग करती है सो डेट्स वेर ना समाइम आपके बैक एंड से इशू होता है लेकिन वो फिर आपने थोड़ा सा मैनेज करना है इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएंगी उससे फिर आपको जो है ना ये कन्फ्लिक्स दूर हो जाएंगे आई थिंक सो लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स को शो हो रहा है तो फिर बाकियों को भी होना चाहिए तो चले जी अः लेकिन ये इतना वो नहीं है आपको आ, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग से आपका ये कवर हो जाएगा क्योंकि अब अभी राइट right नाउ अगर मैं स्टॉप करती हूँ ना तो फिर मेरा ये है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा सो so चलते हैं मैं बताने जा रही थी ये देखें ये है मेरा एक मुझे प्रोडक्ट लगी भाई मैं बार बार इसी पे आ रही हूँ आपने कहना ये मैम को बड़े हैंगर पसंद है लाइक ये देखे ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ऑलरेडी मैंने ना ओपन करके इसको रखा हुआ है सो मैं इसको रेकमेंड कर रही हूँ अच्छा ये देखिएगा अः ये हैंगर है ये मुझे मतलब लगा कि मुझे इस पे एनालिसिस करनी चाहिए मैंने इसको नेक्स्ट एप में ओपन किया अच्छा यहाँ पे गौर कीजिएगा मैं करने क्या जा रही हूँ ये देखिएगा यहाँ पे एसन एमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर है और ये हर एमेजोन हर जो भी एमेजोन पे लॉन्च करते हैं उनको एक नंबर कर देता है जिसको हम ए एस आई एन उसका उसको ना अजाइन कर देता है एमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है वो आप देखिएगा यहाँ से या तो हमें टॉप से मिल जाते हैं ठीक है ए टू नाइन कैक्टरी होते हैं या तो हमें टॉप से मिल जाते हैं या फिर नीचे देखिएगा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पेज प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पेज होता है ये देखिएगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यानी कि हेडिंग है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और यहाँ पे आके तो एसन एस में आके हमें यहाँ से भी ये मिल सकता है ठीक है यहां से या वहां से ऊपर से एक तरफ से आपने कॉपी इसको कर लेना है ठीक है अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अगेन स्क्रीन शेयर करके कि हमने इसको इस की के साथ फिर किस तरह से इसको फर्दर एनालाइज करना है प्रोडक्ट का आइडिया किस तरह से लेना है और देखें मैं बताना मेन चाह रही हूँ कि देखिये हमने ऐसा ही क्यों पकड़ा क्योंकि ये देखिएगा गौर कीजिएगा मैं कहने क्या जा रही हूँ स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजीज मैं बार बार रेपिटेशन पे कह रही होती हूँ और इवन दो कि मुझे यूट्यूबर स्टूडेंट या आप जो ज्वाइनिंग करते हैं मुझे इवन दो यही कह रहे होते हैं कि मैम आप रेपिटेशन पे इतना करते हैं क्योंकि हमें क्लास में समझ आ जाए तो देखिए मैं इसीलिए बार बार रेपिटेशन पे कह रही होती हूँ कि एटलीस्ट ये चीजें आपके ना आपका कॉन्सेप्ट एक दफा बिल्ड हो जाए ये देखिएगा टाइटल जो है ना टाइटल में हमें पता नहीं चल रहा था कि मेन की क्या है हमने एमेजोन की सर्च बार में टाइप क्या करना है कि हमें ये कीवर्ड ये तो प्रोडक्ट तो मिल गई है लेकिन हम प्रोडक्ट ही तो नहीं राइट कर सकते कि जी हैंगर आ, आ, हैंगर जस्ट हैंगर नहीं पता नहीं इसका कीवर्ड कौन सा हो और हमेशा टाइटल में कीवर्ड ऐड होता है और यहाँ तो वो स्टार्ट में होता है फर्स्ट लाइन में होता है या दूसरी लाइन में कहीं जाके होता है ठीक है दूसरी आ, यानी कि यहाँ यहाँ तक तो ये डेढ़ लाइन बनती है ना यहाँ तक तो मतलब डेढ़ लाइन तक हमें ना कीवर्ड मिल जाता है ये टिप है लेकिन फिर भी हम हाँ एज बिगनर है और हमें पता नहीं चलेगा कि इसका मेन कीवर्ड कौन सा है ठीक है सो so, डेट्स क्या करना है कि इसका मेन कीवर्ड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि उसके उसके ऊपर फिर फर्दर एनालिसिस करें ठीक है तो उस उसके लिए फिर हमने क्या करना होता है कि हमने अगेन uh, uh, ये स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ <coughs> अच्छा ये देखिएगा आपको सबको नजर आ रहा है हिलियमटन का डैशबोर्ड जी स्टूडेंट्स नो मैम लेकिन मैं स्क्रीन शेयर कर चुकी हूँ आपसे और ये हीलियम टेन का डैशबोर्ड मैंने हो, हो रहा क्या, हो रही है यस मैम अभी हो रहा है अब शो हो रहा है अब शो ओके ओके अभी नहीं हुआ मैम अच्छा जिनके बैकग्राउंड से वो नहीं ना शो हो रहा है इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा जी आपको हुआ है ठीक ठीक हो गया ठीक हो गया अच्छा ये देखिएगा के डैशबोर्ड में मैं आई हूँ और डैशबोर्ड पे राइट साइड पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिएगा यहाँ से आके कल हमने प्रोडक्ट के आइडियाज लिए थे यहाँ से ये प्रोडक्ट रिसर्च है ब्लैक बॉक्स से हमने प्रोडक्ट के आइडियाज लिए थे और इसका आ, एक यानी टूल है प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से अब रिसर्च के नाम से मैंने वहां से कॉपी किया हुआ था एसन को ठीक है आप गौर कीजिएगा मैं करने क्या जा रही हूँ देखिएगा एसन को मैंने कॉपी किया वहां से किया था और मेन कीवर्ड मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ और यहाँ पे आके ना हीलियम टेन में तो मैंने सेरीब्रो पे प्रोडक्ट रिसर्च का सब टूल था सैरिब्रो सेब्रो पे मैंने क्लिक किया और अब मैंने क्या किया पहले तो मैंने मार्केट प्लेस देखी कि वहां पे जो मार्केट प्लेस थी वो कौन सी थी आई थिंक सो मैं दोबारा मैं खुद देख लेती हूँ एमेजोन डॉट कॉम थी ठीक है amazon.com डॉट कॉम मेरी uh, मतलब मार्केट प्लेस थी मैंने यहाँ पे आके ना सबसे पहले मार्केट प्लेस देखनी है amazon.com डॉट कॉम ही है ओके okay. या फिर आपकी कोई भी मार्केट प्लेस होगी वो सिलेक्ट करनी है डॉट को डॉट यूके डॉट इज यूके का अच्छा ये देखिएगा अब यहाँ पे मैंने ना इसको पेस्ट किया जो एसन मैंने वहां से कॉपी किया हुआ था ना इसको पेस्ट किया एक्सक्लूड वेरिएशन कीवर्ड पे क्लिक चेक चेक पे टिक लगाया एंड देन गेट कीवर्ड और ये इससे रेलिवेंट मुझे की बता देगा एसन से रेलिवेंट तमाम की मेरे सामने आ जाएंगे जो कि हम लिस्टिंग में भी इनको यूटिलाइज करते हैं अच्छा ये देखिएगा यहाँ पे मैंने ना सर्च वॉल्यूम पे हाई टू लो सर्च वॉल्यूम किया ठीक है हाई टू लो सर्च वॉल्यूम किया और ये देखिएगा कोट हैंगर कोट हैंगर जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट होता है ना वो हमारा मेन कीवर्ड होता है एक तो इसका मेन कीवर्ड है हैंगर हंड्रेड पैक और एक है कोट हैंगर ठीक है या क्लॉथ हैंगर यानी इसके मेन कीवर्ड ये हैं ठीक हो गया अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती चलू आपने क्या करना है मिसाल के तौर पर आप आपको ना कोट हैंगर मेन कीवर्ड था ठीक है आपने इसको कॉपी किया ठीक है कॉपी करके Uh, यहां से या कॉपी ना कीजिएगा डायरेक्ट आप ये एरो आपको नजर आ रहा है ना एरो एरो पे क्लिक कीजिएगा और आप एमेजॉन के पेज पे चले जाएंगे और वहां पे कोट हैंगर से रेलिवेंट तमाम नीश आपके सामने आ जाएगी ओके okay? सो so, कोट हैंगर से रेलिवेंट तमाम नीश एक ही जैसे सेलर एक ही जैसी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं सो डेट इज सेम नीश मैं बार बार नीश का वर्ड यूज कर रही हूं और कल मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया था नीश क्या है अच्छा ये देखिएगा यहाँ पे कोट हैंगर ठीक है अब इसको फर्दर एनालाइज हमने मेन कीवर्ड हमें मिल गया ठीक है मेन कीवर्ड हमें मिल गया जी कोट हैंगर है अगर लेट्स कोट हैंगर पे मैं एक्सटेंशन को रन करके क्राइटेरिया uh, को मैच करती हूँ लेट्स ही के ये मेन कीवर्ड पे क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा या नहीं नहीं हो पाया ये हमारे लिए विनिंग कीवर्ड नहीं फाइंड आउट हो पाया तो मैं क्या करूंगी मैं सैरिप्रो से हैंगर थाउजेंड पैक पे देख लूंगी या फिर मैं हैंगर पे देख लूंगी ठीक है सो so ये ये होता है कि हमने मेन कीवर्ड कीवर्ड पे भी चेक करना होता है उससे जो होते हैं उन पे भी स्टैट्स को चेक करना होता है कि मे मेन कीवर्ड पे स्टैट मैच कर ना रहे हो तो हम फिर क्या करेंगे तो उससे रेलिवेंट कीवर्ड पे देख लेंगे अच्छा ये देखेगा अभी इससे रेलिवेंसी जो है ना यहाँ पे रेलिवेंसी शो नहीं हो रही इस की से रेलिवेंट कीवर्ड सिर्फ तीन आए या बाकी नहीं आए अच्छा मैंने अब क्या करना है कि इस कीवर्ड को क्या करूंगी यहां से मैं करूंगी कॉपी ठीक है एक अच्छा यही से मैंने कॉपी कर लिया वहां से नहीं हो पा रहा था अच्छा ये देखिएगा कीवर्ड रिसर्च है कीवर्ड रिसर्च में अब आई हूं मैं मैग्नेट पे मुझे ना हैंगर कोट हैंगर जो कीवर्ड था उसपे रेलिवेंसी उसपे स्टार्ट मैच नहीं हुए वो एक विनिंग कीवर्ड मेरे मेरे पास नहीं प्रूफ हुआ मैंने अब क्या किया मैंने उस कीवर्ड को छोड़ना नहीं है ठीक है मैंने उससे रेलिवेंट कीवर्ड पे देखने के लिए ना मैग्नेट में मैं आई ठीक है और मैग्नेट में जब मैं आऊंगी और यहाँ पे आके तो मैंने उस कीवर्ड को टाइप करना है अच्छा ये देखिएगा डॉट कॉम सबसे पहले मार्केट आपने सेलेक्ट करना नहीं भूलना बिकॉज डैट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहीं से आप ना मतलब गलत पहली गलती तो आपकी यहीं से हो जा हो जाती है ठीक है सो so बेसिकली आपने ये काम नहीं करना आपने मार्केट प्लेस चूज कर लेनी है देखिये मार्केट नहीं चूज की हुई आप ऐसे ही एनालिसिस करते जा रहे हैं फायदा कोई नहीं है ज़ाहिर सी बात है स्टार्ट इनिशिएटिव आपका रॉन्ग वे से चला है तो आप आगे एनालिसिस आपने क्या करनी है आप देखें यहाँ पे मैंने क्या किया कि कीवर्ड को पेस्ट कर दिया कोट हैंगर कीवर्ड था ठीक है मैं मैंने ना कोट हैंगर का ठीक है कोट हैंगर कीवर्ड है और ठीक है कोट हैंगर कीवर्ड है हमारे पास अच्छा अब मैंने क्या किया कि मार्केट प्लेस चूज कर ली हुई थी कीवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और गेट कीवर्ड पे क्लिक किया सो so, इस कोट हैंगर से रेलिवेंट कीवर्ड और इनरेलीवेंट दोनों तरह के की मुझे शो होंगे लेकिन पहले तो मैंने मैंने ट्राई करना है कि रेलिवेंट कीवर्ड जो है ना ये हमें आ, ये मैग्नेट और सेरिब्रो का ये जो यूज मैंने बताया ना ये तीसरा टास्क हमारा लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग का होता है ये वहां पे जाके भी हमने जो है ना ये करना होता है काम ठीक है अब ये देखिएगा हमने क्या किया बेसिकली कि कोट हैंगर हमारा कीवर्ड था उसका सर्च वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं जी सिक्सटी थ्री थाउजेंड समीन आप वर्थ लगा सकते हैं कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना अच्छा है हमें यूएसए के लिए जो है ना और ये क्राइटेरिया जो थर्टीन में बार बार रिपीट कर रही है क्या है ये क्राइटेरिया यही है कि इसका सर्च वॉल्यूम ये होना चाहिए Uh, इसकी रेटिंग इतनी होनी चाहिए इसके रिव्यू इतने होने चाहिए इसका गूगल ट्रेंड इस तरह का होना चाहिए ठीक है सो so, ये रेटिंग रिव्यूज uh, और ब्रांड डोमिनेंसी डोमिनेंसी वेट इसका हाइट हाइट जो uh, नहीं सॉरी वेट और ये सारी चीजें कौन बताता है हमें जंगल स्काउट और हीलियम टेन के एक्सटेंशन बताते हैं जो कि मैं नेक्स्ट आपको uh, यानी कि कंप्लीट वे से गाइड करती हूँ अच्छा आप देखिएगा यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ पे मैग्नेट हमें ना बता रहा होता है कि देखिए इसका ना वन ईयर का जो कि कल भी मैंने आपको बताया था आ, यानी कि यहाँ से ब्लैक बॉक्स से मैंने आपको प्रोडक्ट के जब आइडियाज ले रहे थे मैंने कल तब आपको शॉर्ट टि, टिप दी थी कि आपने ना इसका ग्राफ जरूर देख लेना है ग्राफ देखिए इसका वन टाइम का एंड ऑल टाइम का दैट्स अ ग्रेट ठीक है ये बहुत अच्छा है और ये देखिए ये भी अच्छा है तकरीबन ठीक है और यानी कि ओके okay है मैंने कहा था बेस लाइन को टच ना करें या फिर इस तरह से ना हो के okay? मतलब एंड डाउन अपन डेट्स ट्रेंडी प्रोडक्ट्स और ट्रेंडी uh, और सीजनल uh, प्रोडक्ट का डेफिनेटली हमें आइडिया हो जाता है लेकिन ये एवरग्रीन uh, प्रोडक्ट लग रही है या ऊपर ही जा रहा है इसका आगे जाके सर्च वॉल्यूम सो ये ओके okay है अब आपने क्या करना है अच्छा आपने क्या करना है सीपीआर आप देखिएगा वन जीरो फोर है और ये सीपीआर जितना कम हो ना प्रोडक्ट का वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है पहले ना पहले ऐसे होता था कि ये प्रोडक्ट का सीपीआर की सीपीआर ना पहला जो क्राइटेरिया था वहां पे ना सीपीआर मेंशन किया हुआ था कि, कि ये कम होना चाहिए अच्छा बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होती हैं जिनके सीपीआर जो है ना ये कम नहीं होते तो इट्स मीन की ये ना गिव अवेज होते हैं जो कि हमने मैंने कल आपको बताया था ना लिस्टिंग प्रोमोटर को हायर करते हैं और एमेजोन फ्रिबीज के नाम से ग्रुप्स होते हैं ये एक अलहदा से टास्क है जो कि मतलब प्रोवाइड किया जाता है और लोग मतलब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये अलहदा से टास्क है यानी हमने फेक रिव्यूज लेने होते हैं तो इसका ये हिसाब होता है कि इसको ना हम डिवाइड करते हैं एट पे वन जीरो फोर या जो भी अमाउंट यहाँ पे हो ना उसको डिवाइड करते हैं एट पे तो एट पे डिवाइड करके जो अमाउंट आती है ना उतने हमने यानी के उतने आठ दिन उतने जो है ना वो फेक ऑर्डर लेने हैं तब हमारी प्रोडक्ट रैंक करेगी ठीक है अब ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है तो इन इसको मैं कंप्लीट वे से आपको गाइड करती हूँ मजीद अच्छा ये देखिएगा मैंने ना इसको राइट किया पेस्ट किया और amazon यानी के मैंने यहाँ पे यानी कि जो कंट्री थी वो सिलेक्ट की नीचे हमारे पास ना कीवर्ड आ गए अब यहाँ पे देखिएगा मेरा हैंगर हुक्स मेरा मेन कीवर्ड है बल्कि सर्च वाली हम आपने हाई टू लो जरूर करना है अच्छा ये देखिएगा अः इससे रेलिवेंट की वर्ड आपके आपके पास आ जाएंगे ठीक है ट्रैक को ट्रैक और एमेजॉन बेसिक स्ट्रॉवर रैक ठीक है उसके बाद को ट्रैक या जो भी ये वेलवेट हैंगर्स ठीक है ये तमाम रेलिवेंट की है लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि गलती यहाँ पे ये करते हैं मिस्टेक ये करते हैं कि सिर्फ रेलिवेंट की को देखते हैं मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि रेलिवेंट की पे भी आपने एनालिसिस करनी है और इेलिवेंट पे भी करनी है समटाइम रेलिवेंट पे नहीं हमें यानी प्रोडक्ट अच्छी अच्छी मिल रही होती है हमें इरेलीवेंट से प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है सो so ये देखिए अः इस पे क्लिक आप जब करेंगे ना एरो पे तो आप एमेजन के डायरेक्ट पेज पे ये कीवर्ड आपको ना एनालिसिस करने के लिए ले जाएंगे यानी so ये होता है कि हमें बार बार जो है ना वो पीछे नहीं जाना पड़ता या फिर कीवर्ड को कॉपी करके वहां पे पेस्ट नहीं करना पड़ता सो so मैंने आज आपको बताया कि मैग्नेट के थ्रू बेसिकली ये क्या है ये सारे कीवर्ड्स के आइडियाज हैं जो कि हमें मैग्नेट ने बताए हैं पहले मैंने सेरिप्रो के थ्रू बताए फिर मैंने मैग्नेट के थ्रू अब बताए ठीक है सो ये बेसिकली हमें कीवर्ड